भारत एक ऐसा देश है जहां पर मोबाइल डेटा की दरें विश्व में सबसे कम है। यहां पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से भी सस्ता मोबाइल डेटा मिलता है। पर आने वाले समय में भारतीय उपभोक्ताओं को इसी डेटा के लिए ज्यादा रकम चुकानी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL ने जल्द ही मोबाइल डेटा का दाम बढ़ाने की घोषणा की है। भारतीय बाजार में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की राजस्व के मामले में आधे से ज्यादा की हिस्सेदारी है। एयरटेल की ओर से भी इस तरह का बयान जारी किया गया है। नई दरें क्या होंगी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जियो और भारत संचार निगम लिमिटेड ने भी इसी तरह की घोषणा की है। पहले टेलीकॉम सेक्टर में कई कंपनियां थी और उनमें प्रतियोगिता के कारण डेटा की कीमतें गिरी थी। ये कीमतें इसलिए भी गिरी थी क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। भारत में 22 टेलीकॉम सर्कल हैं और उनमें 3 कैटेगरीज हैं, ए, बी और सी। इनमें सी कैटेगरी के सर्कल्स जैसे कि ओडिशा में जियो, एयरटेल व दूसरी कंपनियां नए ग्राहक बनाना चाहती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां के उपभोक्ता हर महीने डेटा पर बेशक कम रकम खर्च करते हैं पर इनकी संख्या इतनी है कि आपकी कुल कमाई अच्छी हो जाती है। इसी कारण वे कुछ समय के लिए नुकसान सहकर भी ग्राहकों को आकर्षित करना चाह रही थी। वो दौर अब खत्म हो गया है, साथ ही कंपनियां भी कम बची हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि डेटा की कीमतें बढ़ेंगी। कीमतों में एकदम से बहुत बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि कंपनियां एकदम से 15-20% दाम नहीं बढ़ा सकती, इसलिए हर कंपनी अपने हिसाब से योजना बनाएंगी और देखेंगी कि किस सेगमेंट से कितना राजस्व बढ़ना है। असल में कंपनियां एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स यानी प्रति व्यक्ति होने वाली कमाई को देखती हैं। अभी भारत में ये हर महीने करीब 150 रुपए से कुछ कम है। आम भाषा में ऐसे समझे कि एक आम व्यक्ति हर महीने 150 रुपए खर्च कर रहा है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।